Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I am going to explain the magnetic effect of the electric current. Now, here we will perform one activity. We will take the discarded matchbox and take a tray from inside a discarded matchbox, okay? And then wrap an electric wire few times around the matchbox. जैसे यहाँ पे ऐसे few times wrap किया हुआ है ना इसके आसपास, और इसके अंदर क्या रख देना है? इसके अंदर हमने magnetic compass रख. मैग्नेटिक कंपास होती है जिसमें के नीडल होती है और डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ वगैरह वो लिखा होता है, वो हमने इसके अंदर रख देनी है. अब एक एंड जो इसका है, एक एंड इस वायर का जो लपेटी है उसको बैटरी के एक टर्मिनल पे आप बांध, ओके, और दूसरा एक और वायर लो एंड कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ऐसा सेटअप आप बना दो और यहां पे ये दो वायर्स ऐसे आ गए. अब आप इन वायर्स को जोड़ के देखो. जब आप जोड़ोगे तो एकदम से मैग्नेटिक कंपास में क्या होगी? डिफ्लेक्शन, वो थोड़ी हिलेगी, ओके. दिस मींस कि हमारा जो सेटअप है वो पूरा सर्किट कंप्लीट है. नाउ यू टेक द टेस्टर. आप डिफरेंट लिक्विड्स लो, और जैसे कि हमने क्या लिया, हमने बॉटल का प्लास्टिक का ढक्कन लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया? लेमन जूस, जो लास्ट एक्टिविटी में जैसे हमने किया था उसी तरह से. बस इन एडिशन टू दैट हमने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास ली. अब यहाँ पे हमने क्या रखा है? आपने यहाँ पे कोई भी सैंपल ले लिया, जैसे सपोज दिस इज द लेमन जूस. सो आपको कैसे, वहां पे हमने बल्ब लगाया था पिछले सेटअप में, यहां पे हमने मैग्नेटिक नीडल लगाई है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट एज सून एज दीज टू टर्मिनल्स ऑफ द वायर दे विल बी डिप इन लेमन जूस, द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास विल शो डिफ्लेक्शन. तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, ओके. अब आप क्या करो कि इन लिक्विड्स को चेंज करते जाओ और देखो. जैसे आपने टैप वाटर लिया, यू कैन टेक मिल्क, हनी, वेजिटेबल ऑयल एटसेट्रा, एंड ऑब्जर्व कि वेदर द मैग्नेटिक कंपास इट शोज डिफ्लेक्शन और नॉट. जहां पे तो डिफ्लेक्शन हो रही है, जैसे लेमन जूस में हो रही है, टैप वाटर में भी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो सॉल्यूशंस है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें से नहीं होगी उसका मतलब कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके. तो मैं अभी एक और डिफरेंट, यहाँ पे टैप वाटर लिया, डिफ्लेक्शन हुई. अब हम कर रहे हैं कि अगर इन प्लेस ऑफ टैप वाटर मैं डिस्टिल्ड वाटर ले लेती, ओके, अगर टैप वाटर की जगह मैं डिस्टिल्ड वाटर ले लेती हूँ तो तब क्या होता है वो अभी मैं बताऊँ. नाउ नेक्स्ट, दैट इज वी विल टेस्ट द डिस्टिल्ड वाटर वेदर इट इज अ पुअर कंडक्टर और अ गुड कंडक्टर. फॉर दैट अगेन द सेम सेटअप दैट विल बी टेकन, जो पीछे हमने लिया है, अभी मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ था वैसा ही सेटअप लेके आपने लेमन जूस की जगह पे, लेमन जूस की जगह पे आपने डिस्टिल्ड वाटर कैप में लेना. माइंड इट कि जब भी आप सॉल्यूशंस बदलते हो तो जो वो फ्री एंड्स वायर्स की हैं उनको अच्छे तरह से क्लीन करना, नहीं तो ठीक रिजल्ट नहीं आएंगे. कि उस वायर पे अगर लेमन जूस लगा हुआ है और फिर हमने डिस्टिल्ड वाटर लिए तो वो रिजल्ट ठीक नहीं हमें देगा,
ओके, डिफ्लेक्शन हो सकती है वहां पे। तो यहाँ हमने अब ये डिसाइड करना है कि विच सब्सटेंस दैट इज गुड कंडक्टर एंड विच सब्सटेंस दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी विल टेक डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो आप क्या देखोगे कि वहां पे मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? डिस्टिल्ड वाटर हम इन्वर्टर्स में भी यूज करते हैं, आपको पता है घर में जो इन्वर्टर लगे होते हैं उनमें भी यूज करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर आपको मिलेगा कहाँ से? आप अपनी केमिस्ट्री लैब में से लेंगे और आप ये परफॉर्म करके आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आप देखोगे कि वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा मैग्नेटिक कंपास। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और टैप वाटर कंडक्ट कर रहा है। टैप वाटर क्यों कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं और वो सॉल्ट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और अदरवाइज भी इसको गुड कंडक्टर बना देते हैं। इसलिए कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच नहीं करना, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। ओके, अब मैंने क्या किया कि ये डिस्टिल्ड वाटर में पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया, कॉमन सॉल्ट हमारा जो किचन में होता है वो डाल दिया। और अब फिर मैंने जब उसको टेस्ट करके देखा तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल विल शो द डिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि सॉल्ट डालने से या हम कोई एसिड डाल दें, HCl डाल दें, बेस डाल दें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, कोई भी, तो क्या वो सॉल्यूशंस बन गए ना? और फिर हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो हमें डिफ्लेक्शन दिखा रही है। दिस मींस दैट दे हैव बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट कंक्लूजन वी विल ड्राइव फ्रॉम दिस? डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पता चल गया आपको। तो क्योंकि टैप वाटर में क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। एंड द लास्ट पॉइंट, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा ये दो टर्म्स कि व्हाट आर गुड कंडक्टर्स एंड वॉट आर पुअर कंडक्टर्स सब्सटेंसेस, लाइक जहां पे आयंस होते हैं, ठीक है? आयंस जो है दे मेक देम गुड कंडक्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड हमने कॉमन सॉल्ट डाल दिया, दिस मीन्स कि वहां पे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस है जो कि कंडक्टिविटी में हेल्प करेंगे। सो आई थिंक दिस मच magnetic effect of the electric current, that is clear to all of you. I will take up another topic in my next video. Till then, thank you very much.